हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और फ्रेश एंड न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 ऐसे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स जिन्हें शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। क्या बात कर रहा है? और उसके अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो इतना इंट्रो काफी होगा, तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। दोस्तों नंबर 5 पे आता है ब्लू ड्रैगन फिश। दोस्तों ये फिश की एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और इसके कलर भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। दोस्तों ब्लू इसके रंग और ड्रैगन इसके शरीर के बनावट की वजह से इसे ब्लू ड्रैगन फिश कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, जो कि आप लोग अभी देख ही रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। ये ब्लू ड्रैगन फिश जितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों इसके पास कांटेदार काफ़ी जहरीले ऐसे डंक होते हैं जिससे ये किसी भी इंसान को मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों अगर आप लोग कभी भी समुद्र में जाओ और ये ब्लू ड्रैगन फिश आपको दिख जाए तो इसे दूर ही रहिएगा। अगर फिर भी आपको चुल हो रही है और आप इसे उठाओगे तो ये आपसे सिर्फ एक ही बात कहेगा, मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे आता है बुलेट एंट। इसकी खोज 1793 में हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा बदनाम चींटी की एक प्रजाति होती है। दोस्तों ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका के घने जंगलों में पाई जाती है। कहा जाता है कि ये चींटियाँ जहाँ भी अपना घर बनाती है वहाँ से काफ़ी बदबूदार स्मेल आती है। मुझे पता है कि आपके टकले में एक सवाल आ रहा होगा कि इस चींटी से हमें कैसा खतरा, तो रुको मुन्ना ज़रा सब्र करो। इसके पूरे शरीर में काफ़ी सारे रुई उगे हुए होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। जब ये किसी अपने शिकार को डंक मारता है तो ये साथ ही साथ उस रुई को भी उसके अंदर घुसेड़ देता है। इसके दांत भी नॉर्मल चींटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। जब ये किसी इंसान को काटता है तो उस इंसान को गोली लग जाने जितना पेन होता है। यानी कि दोस्तों ये चींटी जब किसी इंसान को काटती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे गोली मार दी गई है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी कि इस चींटी से हमें इतना खतरा क्यों है। और दोस्तों आपको ये बात भी पता चल गई होगी कि ये चींटी का नाम बुलेट एंट क्यों पड़ा। ये चींटी जब किसी इंसान को काट ले तो शायद ही वो इंसान उस चींटी के आसपास हमें दोबारा दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा जब कोई इंसान जानबूझ के ही सैकड़ों चींटियों को यानी कि बुलेट एंट को अपने आप को कटवाए। दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, जानबूझ के कटवाए। दोस्तों ये चींटी जहाँ पाई जाती है वहाँ के आदिवासी इस चींटी को पकड़ के एक थैले में बंद करके जानबूझ के उसके अंदर अपना हाथ डालते हैं। क्या आपको पता है क्यों? मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इस चींटी को आप अपने आप को कटवा करके एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहोगे या नहीं, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ। तो चलो वीडियो को जल्दी से पॉज करो, नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों उस कबीले के हर इंसान ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ के एडल्ट लड़के ही ऐसा करते हैं, वो करते नहीं हैं, उन्हें करवाया जाता है ये प्रूव करने के लिए कि वो एडल्ट हो चुके हैं और वो अब शादी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे आता है रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं पाया जाता, ये वर्ल्ड के हर एक कोने में पाया जाता है। दोस्तों इसके 40 से भी ज्यादा प्रजातियां होती है। इसके प्रजातियों को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लोन लॉबस्टर जो कि ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं और दूसरा स्पाइनिंग लॉबस्टर जो कि गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों रेनबो लॉबस्टर के एक्सेस स्केलेटन यानी कि सेल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि ह्यूमंस इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रेनबो लॉबस्टर का एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि इसे अमरता का वरदान मिला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लॉबस्टर जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने सेल को रिमूव कर देता है और किसी ऐसे जगह पे जाकर के छुप जाता है जो कि उसके लिए सेफ हो, और वो तब तक छुपा रहता है जब तक कि उसके नए सेल वापस ना आ जाए। उसके सेल के वापस आ जाने के बाद वो एक बार फिर से यंग हो जाता है। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। दोस्तों मोल्टिंग प्रोसेस को बार बार रिपीट करके लॉबस्टर अपने आप को यंग रखता है और ये अपने आप को कभी मरने भी नहीं देता। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसी शक्ति होती जिससे कि आप हमेशा यंग रहते और मिलियन सालों तक जिंदा रह सकते तो आप क्या करते, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे पता है कि आपके टकले में एक बार फिर से खुजाहट हो रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि इसे तो हमने कई बार मूवी में, कई बार वीडियोस में और कई सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने देखा है, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पे है और शायद ही हम इन फ्यूचर इसे देख पाएंगे। इसलिए अभी देख लो भाई, इन फ्यूचर देख पाओगे या नहीं क्या गारंटी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आता है व्हाइट लायन। दोस्तों लायन को कौन नहीं जानता, जंगल पर राज करने वाला सबसे खतरनाक शिकारी जिसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में हम इस लायन की नहीं व्हाइट लायन की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। दोस्तों व्हाइट लायन की खोज 1938 में हुई थी, उस समय में इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन 1917 आते आते इसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई और उसके बाद बचे तो सिर्फ 3 व्हाइट लायंस जिन्हें एक्स्ट्रा केयर दिया गया, जू में रखा गया, जिसके बाद से इसकी पॉपुलेशन अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसकी पॉपुलेशन अभी 500 के आसपास है। पिगमेंटेशन के कारण इन लायंस का रंग सफेद होता है और इनके बच्चे भी सफेद पैदा होते हैं, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। भले ही दोस्तों जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन कहा जाता है ना कि हर एक बाप का बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं। और वो दादाजी और कोई नहीं, सेबर टूथ, जो कि हमारी लिस्ट का नंबर 1 यूनिक एनिमल है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सेबर टूथ प्री हिस्ट्री एरा के सबसे बड़े कार्निवोर्स में से एक था? और क्या आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले एग्जिस्ट करने वाला ये सेबर टूथ टाइगर अब तक का दुनिया का सबसे खतरनाक और बदनाम शिकारी रहा है। दोस्तों सेबर टूथ टाइगर जब वर्टिकली यानी कि 4 पैरों पे खड़ा होता है तो इसकी लंबाई एक नॉर्मल एडल्ट इंसान के छाती जितनी होती है, यानी कि 4 फीट का ये होता है, और इसकी चौड़ाई 8 फीट तक होती है, और इसका वजन 400 से लेकर के 436 किलो तक होता है। और क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट को जो सेबर टूथ के फुटप्रिंट्स मिले हैं वो तकरीबन 19 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि एक इंसान के हाथ के पंजे से भी ज्यादा बड़ा। दोस्तों जब ये अपने 2.5 किलो के हाथ से किसी को स्लैप मारता था तो वो इंसान उठता नहीं था, उठ जाता था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। दोस्तों जब ये किसी को स्लैप मारता है तो ये 500 केजी से भी ज्यादा का फोर्स लगाता है अपने पंजे पे। आप इमेजिन करो कि आपके ऊपर किसी ने 100 केजी की 5 बोरियां फेंक दी है तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक उसी तरह जब ये किसी को एक स्लैप मारता है तो सामने वाले बंदी का भी यही हाल होता है। आप लोगों ने मिलियंस ऑफ ईयर पहले एग्जिस्ट करने वाला मेमथ का नाम तो जरूर सुना होगा। दोस्तों ये भाई साहब उनको भी मिनटों में मार गिराते थे, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा डेंजरस हुआ करता था। मुझे पता है कि आपके टकले में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या होगा जब हमारे प्रेजेंट टाइम में पाए जाने वाले लायन और सेबर टूथ टाइगर के बीच में फाइट हो जाए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पे हमारा एक सेपरेट वीडियो आए तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस पे ही लाने की। तो भाई लोग कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोगों को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे टोटल 4 दिन लग गए और आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को लाइक करने के लिए। और आपको ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियोस और देखने को मिले। तो अब सब्सक्राइब के बटन को टुकुर टुकुर देखना बंद करो, सब्सक्राइब कर भी लो यार। और अगर आप लोग इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।